फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एनशी किचन में। और सुबह सुबह के नाश्ते में अगर गर्मा गर्म पोहे मिल जाए तो फिर तो बस कहनी क्या है। तो आइए आज हम बनाते हैं खट्टे मीठे गर्मा गर्म पनीर वाले पोहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। खट्टे मीठे पोहे। तो उसके लिए हम लेंगे पोहे, तो ये मैंने लिए हैं लगभग 3 कटोरी पोहा। और ये हमने लिए हैं प्याज, 2 प्याज है जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और ये मैंने लिए थोड़ी सी सिंगदाना यानी कि मूंगफली, और थोड़ा सा पनीर जो इस पोहे का स्वाद बढ़ाएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोहों को धो लेते हैं अच्छे से 2 से 3 बार। तो ये जो पोहे हैं इनको हमने एक चलनी में डाल लिया है और बहते हुए पानी में इनको अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसको रख देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए ढककर। और अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल गरम हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने और इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं यानी कि फ्राई कर लेते हैं। और अब मूंगफली अच्छे से सिक चुकी है तो इनको हम निकाल लेते हैं 1 कटोरी में। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। और अब ये हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता और ये हमने डाल दिए हैं इसमें प्याज। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो ये हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक जो है वो हमको थोड़ा सा इसमें कम डालना है। और थोड़ा नमक हम डाल देंगे पोहों में जो हमने भिगोने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है पोहों में। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। और ये गया गरम मसाला। और 2 पिंच हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। तो ये गया लगभग 4 से 5 चम्मच पानी, बहुत थोड़ा, ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। और अब इसको हम उबलने देते हैं थोड़ा। तो मसाला अच्छे से पक गया है और जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं पोहे। और अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। और अच्छे से मैंने सारे पोहे मिक्स कर लिए हैं मसाले में। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा पनीर, इसको हम कस लेंगे। और अब गैस को हम कर देंगे बिल्कुल लो पर और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। तो लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारे जो पोहे हैं बिल्कुल रेडी है। तो अब करते हैं इनको सर्व। तो ये गए हमारे पोहे।
ये है खट्टे मीठे पोहे। तो चीनी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसमें आपको नींबू के रस की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें डाला है नींबू का फूल। और अब ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे प्याज से। तो ये मैंने डाल दिया इस पर बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा पनीर और कस देंगे। तो इससे ये जो हमारे पोहे हैं काफी रिच हो जाएंगे, देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो अच्छे हैं ही। और अब हम डाल देते हैं इस पर हमारी सिकी हुई तली हुई मूंगफलियां। तो बस लीजिए, तैयार है हमारे टेस्टी यमी बहुत ही गर्मा गर्म हेल्दी पोहे, और जिसमें खट्टा मीठा दोनों स्वाद है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम लेते हैं गर्मा गर्म पोहों का आनंद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।